सो इन द सीरीज ऑफ मेथड जो हमने किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली, अब हम आ गए हैं लास्ट टेक्निक पे, आई वुड रादर कॉल इट टेक्निक देन मेथड, जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो टेक्निक है ये सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के लिए एप्लीकेबल है, और वो स्पेसिफिक केसेस हैं हमारे इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, लेकिन उसको रिड्यूस करके मैं लीनियर इक्वेशन में ला सकता हूँ। मतलब उसको कुछ ट्रीटमेंट करके लीनियर इक्वेशन में लाया जा सकता है। तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 3.6 टुडे। सो मैं यहाँ पे कहीं पे छोटा सा लिख देता हूँ सो दैट कि आपको पता रहे हम कर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 दैट इज एक्सरसाइज दैट वी आर डीलिंग विद टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ सो दैट इट इज इजियर टू अकोमोडेट। ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशंस विच आर लीनियर इक्वेशंस और नॉट, ये अब देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसके लिए अलग से टेक्निक हमें ढूंढनी पड़ रही है। सो इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो बेसिकली फ्रैक्शन के साथ आप क्या करते हो, यू स्टार्ट विद टेकिंग एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं, 2x और 3y का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 6 एक्स वाई। ओके, सो 2x इंटू 3y इज दिस 2 3 6 और x तो ऑलरेडी था y लिख दिया, प्लस 3 2 6 y ऑलरेडी है यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो x लिख देंगे, तो इधर 2 रहेगा। ओके, ये आपको भी लिखना नहीं है करना नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है। आगे चलते हैं, मैं दूसरे वाले को भी इसी तरह एलसीएम लेके लिख सकता हूँ, बट अगेन मैंने बताया कि इसको करना नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 6 2 12 इंटू एक्स वाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था हो जाकर मल्टीप्लाई हुआ। सो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ज़रा जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसको एनालाइज करते हैं। आप देखिए LHS में 3y, ये y जो है वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या है, मतलब उसकी पावर क्या है, 1, ये होनी चाहिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है। देन 2x अगेन पावर 1। ओके, ये x और y, देखो वैसे तो x और y दोनों की पावर 1 है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक ही टर्म में दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब ऐसा हो जाए, वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो जब मैं इसकी डिग्री बोलूँगा तो वो 1 नहीं बोलूँगा, वो 2 बोलूँगा, क्योंकि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की मिला के 2 हो रही है। तो किसी एक टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है, यहाँ पे 1 थी वो चलेगा क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे वो 2 हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रहा है। ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर देयर इन योर सिलेबस, बट वो सिर्फ 1 वेरिएबल में है, तो दिस इज़ नॉट 1 वेरिएबल प्रॉब्लम, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में आपका बन रहा है। तो इसीलिए ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि लीनियर नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, लेकिन मैं इसको लीनियर बना सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो मेथड है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो हमारा मेथड है वो कब एप्लीकेबल होगा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू दोज केसेस वेयर द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। जब आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तब नॉर्मली इस मेथड की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो ये रफ सा एस्टिमेट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं थी इसलिए हमने इस मेथड को चुना। मेथड क्या है, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, मैं
वन बाई टू एक्स को लिख सकता हूँ वन बाई टू इंटू वन बाई एक्स, बिकॉज वन वन ज़ार वन एंड टू इंटू एक्स इज टू एक्स, नो प्रॉब्लम. प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय वाई, नो प्रॉब्लम. गुड. नेक्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन जो है उसको मैं लिख लेता हूँ अगेन ऑन द सिमिलर पैटर्न. वन बाय थ्री इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय टू इंटू वन बाय वाई, दिस विल रिजल्ट इन थर्टीन बाय सिक्स. सो आई हैव डन नथिंग, आई हैव जस्ट रीअरेंज्ड और रीराइट द इक्वेशंस. नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट what you should observe in these two equations. Common thing, okay, 1 by x, 1 by x. Similarly, let me highlight this one also. Again, common. So 1 by x and 1 by y is coming in both the equations. So what I'm doing is, because this is not a linear equation and the problem lies in the fact that the variables are in denominator, therefore I will try to eliminate this problem from the root itself. Matlab main jar se is problem ko khatam karta hu. And how I will do it? I will put 1 by x as another variable. So let 1 by x is equal to p, similarly 1 by y is equal to q. You can take any other variable a, b, c, d, whichever you like, okay. So now the equation reduces to 1 by 2, this first equation reduces to 1 by 2 times p plus 1 by 3 times q equals to 2. Similarly, the next equation reduces to 1 by 3 times p plus 1 by 2 times q is equal to 13 by 6. Okay? So p into 1 is p. So I can write it as p by 2, q by 3, p by 3, q by 2. So you can write it. You need not to write 1 here. So this is our first step hota hai, that you have to assume 1 by x or whatever the problem is as some another variable. Okay, let's move on to the next step. Ab aage dekho. Now this is a simple equation which you were solving earlier. You have done 4 methods of solving these types of equation, 1 graphical and 3 algebraical methods. I'm observing this one, so considering this one, this equation, so let me mark it as 1 and this as 2. So reducing 1, ab yahan pe fraction problem hai, to fraction problem ko solve karne ke liye you will have to take LCM. I'm taking LCM, to 3 2s are 6, 2 3s are 6, multiply by up, 3 2s are 6, multiply by numerator. So this reduces to 3p plus 2q is equal to 12. This is your equation number 3, let's say. Similarly, second equation jo hai wo aga ke aayega, p by 3 plus q by 2 is equal to 13 by 6. 3 2s are 6, 2p plus 2 3 are 6, 3q is equal to 13 by 6. So 2p plus 3q is equal to 13 by 6 into 6, and the equation now becomes this much, 2p plus 3q is equal to 30. So now we have two linear equation in the more known form. Okay, so ab aap isko solve kar sakte. Ab you have to apply the concept that you have learned earlier. So now there is nothing new. You can solve 3 and 4 by
सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इट्स अप टू यू. माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज एलिमिनेशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज 3p प्लस 2q प्लस सॉरी इज इक्वल टू 12 एंड 2p प्लस 3q इक्वल्स 13. आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2 and multiplying this equation by 3. So 2 into 3 is 6p plus 2 into 2 is 4q equals 2 12 are 24. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 13s are 39. Next we know subtract karna hai. So changing the signs of the लोअर इक्वेशन ये कट जाएगा. 4 माइनस 9 इज माइनस 5 एंड 24 माइनस 39 इज माइनस 15. सो दिस बिकम्स क्यू माइनस 15 अपॉन माइनस 5. सो दिस इज 3. सो क्यू इज 3. ओके, पर हमने क्यू थोड़ा निकालना था. चलो पहले पी वी निकाल लेते हैं. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ क्यू इन इधर 3 और 4, इट्स अप टू यू. आई एम पुटिंग इन 3. सो पुट क्यू इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3. ये इक्वेशन का सिंबल है, इक्वल टू का साइन डाल के आगे एन लिखा है. यू कैन राइट ई क्यू एन, यू कैन सिंपली राइट 3 इन द सर्कल. वो अंडरस्टूड है कि आपका इक्वेशन होगा. तो क्यू इज इक्वल टू 3 डाल देता हूँ. तो 3p प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12. सो 2 3 आर 6, 12 माइनस 6 इज 6. दिस इज 3p एंड p इज इक्वल टू 3. उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो p इज इक्वल टू आएगा. ओके, p भी आ गया, q भी आ गया. और यही हमारा एक मिस्टेक होता है. स्टूडेंट्स पी और क्यू निकाल के इतना खुश हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें पी और क्यू तो पूछा ही नहीं था, हमें तो एक्स और वाई पूछा गया था. ओके, सो वी नीड एक्स एंड वाई, नॉट पी एंड क्यू. बट हमारे पास रिलेशन है कि पी और क्यू जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड है. ओके, वो हमने माना था कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी, 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्यू. सो वी विल सॉल्व दिस. मैं इस पार्ट को फ्री कर देता हूँ. ओके, सो नाउ वन बाय एक्स इज इक्वल टू पी. ओके, सो पी इज 2. आई कैन राइट 1 बीनीथ 2 बिकॉज डिनोमिनेटर कुछ नहीं था उसका. सो आई नीड टू फाइंड एक्स. मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकेट कर दूंगा दोनों साइड्स. तो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो एक्स क्या आ गया, 1/2. सिमिलरली रेसिप्रोकेटिंग फाइंडिंग वैल्यू ऑफ वाई, वी हैव टू रेसिप्रोकेट दिस इक्वेशन ऑल्सो. क्यू वॉज 3. ओके, सो वाई इज, ये मान लिख देता हूँ, सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन फॉर यू. सो y इज 1/3. x भी आ गया और y भी आ गया. ओके, तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ मेथड को. मेथड में सबसे पहला क्या है कि आपको जो आपके प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, मतलब द वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर, यू हैव टू लेट देम एज अनदर वेरिएबल जो कि न्यूमिनेटर में होगा. ओके, जैसे 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं रहने देना. फिर जो नई इक्वेशन आती है उनको सॉल्व कीजिए. फिर जो नए रिश्ते आए थे उनको पुराने रिश्तों के साथ रिलेट कीजिए और फाइंड कीजिए एक्स और वाई. इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो मुझे कुछ ज़्यादा करने पड़ेंगे. सो आई एम डूइंग सेकेंड पार्ट ऑल्सो. सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट. दिस इज द सेकेंड पार्ट. लेट्स फाइंड द कल्प्रिट फर्स्ट ऑफ ऑल. इसमें क्या है, 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई
इज इक्वल टू टू एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4 बाई रूट x माइनस 9 बाई रूट y इज इक्वल टू -1. सो मैं यहाँ पर अगर 2 इंटू 1 लिख देता हूँ तो आई थिंक यू विल हैव नो प्रॉब्लम. सो आई एम जस्ट राइटिंग इंटू वन हेयर. ओके, और फिर ये क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट x. सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाई रूट y. सेम हेयर, 1 बाई रूट x एंड 1 बाई रूट y. तो इस बार हमारा प्रॉब्लम 1 बाई रूट x और 1 बाई रूट y है. ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पर 1 बाई रूट x और 1 बाई रूट y है. सो लेट 1 बाई रूट x इक्वल्स टू p एंड 1 बाई रूट y इक्वल्स टू q. तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 बाई रूट x क्या आएगा, p प्लस 3 इंटू q इक्वल्स टू 2. लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 1. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1. दिस इक्वेशन इज नंबर 2. इसको सॉल्व करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. तो आपका बनेगा 2. आई एम जस्ट राइटिंग आंसर. ओके, 2 2s are 4p प्लस 2 3s are 6q इक्वल्स टू 2 2s are 4. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. तो सेकेंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट 2 from 3. सो 2 from 3 दैट मीन्स 4p पहले आएगा, 6q इक्वल्स टू 4, और नीचे आएगा 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1. सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉस माइनस हो गया, देन दिस इज प्लस 9 6 15, देन दिस बिकम्स प्लस, 4 प्लस 1 इज 5. आगे चलते हैं. क्यू इज इक्वल टू 5 बाई 15, दैट इज 1 बाई 3. सो वी हैव क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 3, बट वी नीड पी ऑल्सो. पी निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू पुट क्यू इन हेयर और हेयर, क्या मर्जी पुट कर देते हैं. आई एम पुटिंग इन 1. तो 1 में पुट करने से क्या आएगा, 2p प्लस 3q एंड q इज 1 बाई 3 इक्वल्स टू 2. तो आपका बना 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2p इज इक्वल टू -1, 2p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 बाई 2. पी भी आ गया, क्यू भी आ गया. ओके, बट अगेन ध्यान रखो कि ये हमारा एम नहीं है. और एम इज़ टू फाइंड एक्स एंड वाई. सो मुझे पता है 1 बाई रूट x इज इक्वल टू पी, मतलब 1 बाई रूट x इज इक्वल टू पी. पी क्या है, 1 बाई 2. बट हमें रूट एक्स नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो एक्स निकालना है. तो पहले रूट एक्स निकाल लिया, अब रूट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग कर देता हूँ, इधर भी इधर भी, ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, एक्स, 2 2s are 4, तो एक्स आ गया 4. सिमिलरली 1 बाई रूट y इज इक्वल टू 1 बाई 3, क्यू के इक्वल था, तो रूट y किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो वी हैव y इज इक्वल टू 9. सो x भी आ गया और y भी आ गया, दैट्स इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23. सिंस दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट हार्ड कि मैं इसको भी करके दिखाऊं, मैं सिर्फ इसमें जो नई चीज़ है वो बता देता हूँ. देखिए यहाँ पे y हमारा दुश्मन नहीं है, y का कोई कसूर नहीं है, ये तो बेचारा ऊपर पड़ा हुआ है.
प्रॉब्लम इज विद एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 इंटू 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स को हम कुछ लेट कर लेंगे, दैट मीन्स अगर मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, लेट से 1 बाई एक्स को मान लेता हूँ p, तो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 4 टाइम्स p प्लस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 14 एंड 3 टाइम्स p माइनस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 23। y का कोई कसूर नहीं था तो y को कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ को आप इसको सॉल्व कीजिए यूजिंग एनी ऑफ द मेथड, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब आपके पास p या y आ जाएगा तो y तो फर्स्ट केस में ही जो आ गया वही आपका आंसर है, बस आप p निकालिए और p के बाद फिर आप इस रिलेशन से x निकालिए, तो वी नीड x एंड y, y तो आ जाएगा आपका फर्स्ट केस में, लेकिन x थ्रू p आएगा तो p पहले निकालना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ये आप खुद कीजिए, सिर्फ समझना था इसे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आई एम डूइंग द सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं और फोर्थ सेवन एट एट जैसे है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं सिक्स करवा देता हूँ, तो सिक्स करवाते करवाते बीच में फिफ्थ जैसा बन जाता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फोर सेवन एट में से मैं एट पार्ट करूँगा, सो कंटिन्यूइंग विद दिस पार्ट सिक्स पार्ट। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लुक में इसको देखने से लगता तो नहीं कि ये प्रॉब्लमेटिक है, देर इज़ नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, सो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर इज एन इंडिकेशन दैट द इक्वेशन इज नॉट लीनियर, बट हेयर ऑल्सो यू कैन क्लियरली सी कि x और y इसकी पावर तो 1 है और यहाँ पे x y दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो पावर क्या बन गई 2, 1 प्लस 1 2, सो दिस इज अगेन नॉट अ लीनियर इक्वेशन, सो मैं इसको लीनियर इक्वेशन रिड्यूस करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस एक्स वाई को ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 6x प्लस 3y दोनों के नीचे एक्स वाई आएगा, ठीक है, दोनों के नीचे आएगा, सेम सेकेंड इक्वेशन में भी वही किया, फिर एक्स वाई को मैंने दोनों के नीचे था तो दोनों को अलग अलग दे दिया, 6x के नीचे भी एक्स वाई लिख दिया, 3x के नीचे भी एक्स वाई लिख दिया, 6 तो ऐसे ही रहेगा, सेम हेयर, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, यहाँ वाई वाई कट गया, सेम हेयर, नाउ यू आर लेफ्ट इज 6 अपॉन वाई 3 अपॉन एक्स, ऐसे यहाँ पे बच गया। अब इसको ध्यान से देखिए, दिस इज मच लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन, उसके जैसा ही है, तो इसको 1 बाय वाई और 1 बाय एक्स को p और q मान के आप सॉल्व कीजिए, यू विल हैव योर आंसर। फिफ्थ पार्ट आपका जो है वो इस फॉर्म में है, तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं करना, नीचे सीधा स्टार्ट कर देना, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आप कर पाएंगे। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज एट पार्ट। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, दिस इज़ योर एट पार्ट एंड दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर पार्ट, कई बार एग्जाम में आता है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म में x भी पड़ा और y भी पड़ा है, सो मोस्टली स्टूडेंट इसको ऐसा कर देते हैं कि ठीक है आप 3x को अलग से कर दो और y को अलग से कर दो, सेम यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, फिर वो 1 बाई 3x अलग से कर देंगे और माइनस 1 बाई वाई अलग से कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए 1 बाई 5 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 प्लस 3, तो 1 बाई 2 प्लस 3 को अगर मैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 लिखता हूँ तो आप फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखिए क्या आता है, दिस शुड बी 5 बाई 6, तो 5 बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाई 5, ओके, सो ये काम नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो हमें क्या करना है, आइए इसको देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पे हमारे पास है 1 बाई 3x प्लस वाई और इधर भी ये पड़ा हुआ, यहाँ पे है 1 बाई 3x माइनस वाई और इधर भी ये क्या है 1 बाई 3x माइनस वाई, ये दोनों में आ रहा है तो यही कल्प्रिट हैं दोनों, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग 1 बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, सो दिस बिकम्स पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू 3 बाय 4 और ये क्या बन जाता है 1 बाय 2, ये देखिए ये 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो 1 बाय 2 ये पूरा का पूरा क्या है पी इंटू पी
माइनस 1/2 इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो क्या बना, पी प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 एंड पी बाय टू माइनस क्यू बाय टू इज इक्वल टू माइनस 1/8। ओके, अब तो ये आपका नॉर्मल है तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी प्लस क्यू इज ओके 3/4, ये 2 और 2 का एलसीएम आ जाएगा। सो पी माइनस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8, ये 2 वहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी माइनस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8 इंटू 2। ओके, यहाँ पर ये कटिंग हुई तो बना माइनस 1/4। सो हेयर वी हैव पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 एंड पी माइनस क्यू इक्वल्स माइनस 1/4। इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो पी प्लस क्यू 3/4, पी माइनस क्यू माइनस 1/4। ईजिली एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा बिकॉज q के साइन ऑपोजिट हैं ऑलरेडी, सो आई नीड नॉट टू सब्ट्रैक्ट। पी प्लस पी इज 2p। 3/4 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करिए, 2/4 आएगा विच विल यील्ड 1/2। यहाँ से p मल्टीप्लाई हो रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, उधर जाके वो डिवाइड होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। सो हेयर वी हैव p इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली अब हमें क्यों निकालना है, क्यों निकालने के लिए पी की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, पी प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 में। सो आई एम डूइंग हेयर, इधर ही कर देता हूँ। ओके, सो पुटिंग हेयर p की जगह 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4। सो q की वैल्यू क्या आएगा, 3/4 माइनस 1/4 एंड दैट विल गिव अगेन 2/4, सो 1/2। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। p भी आ गया, q भी आ गया, बट हमें पी क्यू नहीं, हमें तो xy चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हैं पी क्यू की वो इधर पुट करेंगे। मैं इसको रहने देता हूँ, ये मेरे काम का, अभी बाकी सब मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब देखिए, पी की जगह 1/4 डाल दूंगा तो हमारे पास बनेगा 1/3 एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1/4 एंड 1/3 एक्स माइनस वाई, ये क्यू के इक्वल था, क्यू आया 1/2। ये रेसिप्रोकेट कर देंगे दोनों साइड, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स, कि भाई इसके बाद हमें फिर से सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो अकेला x होता था हमारे पास तो डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू आ जाती थी, या अकेला y होता था। यहाँ पे दोनों में x भी है और y भी है, तो अगेन इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। एलिमिनेशन ईजी है इसमें, क्यों, क्योंकि y के कोफिशियंट्स सेम साइन सेम हैं और साइन डिफरेंट है, तो मैं इजीली उनको ऐड कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग साइन। y माइनस वाई 0, 3x प्लस 3 है 6x एंड 4 प्लस 2 इज 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/6 दैट इज 1, x 1 आ गया। तो y क्या आएगा, इसी में पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो 3x x की जगह 1, तो 3 1 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो हेयर वी हैव x एज वेल एज 1। तो इसमें दो बार हमें सॉल्व करना पड़ा, एक बार pq के लिए, एक बार xy के लिए, जो कि नॉर्मली हमें पहले क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा था, उसमें तो एक बार में हो गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल है दैट शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर में है तो यू हैव टू ट्रीट लाइक दिस. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी इसके आगे हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम बाद में करेंगे. तो आज के लिए इतना ही.